हे माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल देसी तड़का विद अलीशा में। आजकल बारिश का मौसम ज़ोरों पे है और इस बारिश के मौसम में अगर चाय के साथ में गर्मा गर्म कुरकुरे, तीखे चटपटे गोभी के पकौड़े हो जाएं, तब तो बारिश और चाय दोनों का स्वाद दुगना ही हो जाएगा। तो आइए, आज मैं इसी तरह की कुछ चटपटी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गोभी के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोभी। इसको हम इस तरह से बीच से इसका जो डंठल है इस तरह से काट के हटा देंगे। उसके बाद में गोभी के छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। मैंने इसको ऊपर से हल्का सा काट के हटा दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा काला काला सा मुझे ख़राब लग रहा था, इसलिए मैं इसको हटा दे रही हूँ। उसके बाद में गोभी के ये जो पीस करने हैं, टुकड़े करने हैं, ये थोड़े मोटे ही करेंगे क्योंकि जब हम पकौड़े बनाएंगे अगर बहुत ज़्यादा छोटे पीस होंगे तो वो एक में पक जाएंगे और बिल्कुल भी क्रंची नहीं लगेंगे, इसलिए हमें टुकड़े इसके थोड़े से मोटे ही रखने हैं। ये देखिए, एक एक करके मैंने इस सारे टुकड़ों को इसमें से निकाल लिया है। उसके बाद में इन सारे गोभी के टुकड़ों को हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। और सबसे मेन चीज़, गोभी के पकौड़े, अगर आप चाहते हैं कि आपके गोभी के पकौड़े भी हलवाई जैसे क्रिस्पी बने, तो इसके लिए हमें गोभी को बॉईल नहीं करना है ना हाफ बॉईल करना है, बल्कि हमें इसको चिल्ड पानी में रखना है करीब 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको 2-3 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी लगा सकते हैं। इससे हमारी जो गोभी होगी काफ़ी क्रंची बनेगी पकौड़े बनने के बाद में। ये देखिए, मैंने इसमें पूरी तरीके से पानी को भर दिया है और मैं इसको 5 से 10 मिनट तक ही इसी तरह से रखूँगी। अच्छा, आज के गोभी के पकौड़े की खास बात यह है, इसको मैं बनाऊँगी बिना बेसन के, बिना चावल के आटे के, और फिर भी ये उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, मैंने 5 से 10 मिनट के बाद में इसका पानी निकाल दिया है और इसके बाद में मैंने ऊपर से डाला है इसमें करीब 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है सेज़वान सॉस। अगर आपको सेज़वान सॉस नहीं पसंद है तो आप मत डालें, स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। और उसके बाद में मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है इसमें चाट मसाला। बस इन सारी चीज़ों को हमें इसमें करना है अच्छे से मिक्स। इसके अलावा किसी भी प्रकार के मसाले की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे लास्ट में मैंने डाला है 1/2 चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से टॉस करते हुए मिक्स करना है। उसके बाद में कढ़ाई गरम करेंगे और पकौड़ों को तलने के लिए कढ़ाई में छोड़ देंगे। अच्छा, पकौड़ों को बनाने के लिए आप इसको 2 बार फ्राई कर सकते हैं। एक बार आप चाहें तो बिना मसाले डाले हुए फ्राई करें और दूसरी बार मसाला डाल के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको डबल फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट ये बन जाएंगे और साथ में क्रिस्पी भी बनेंगे, जैसे हलवाई या रेस्टोरेंट वगैरह में हम पकौड़े खाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कुरकुरे बनेंगे, एकदम करारे बनेंगे। और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने बिना बेसन, बिना चावल के आटे के इसको इतना क्रिस्पी कैसे बनाया। अच्छा, पकौड़ों को फ्राई करते हुए एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसको फ्राई करते समय गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई या मीडियम नहीं होनी चाहिए, गैस की फ्लेम को लो ही रखें। अगर गैस की फ्लेम हाई होगी तो पकौड़े जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, क्योंकि हमने पकौड़ों को ना बॉयल किया है और ना ही इसको डबल फ्राई किया है, इसलिए लो फ्लेम पर हम इसको धीरे धीरे इस तरह से पकने देंगे। धीरे धीरे पकने से क्या होगा ना, पकौड़े जो हैं अंदर तक ही पक जाएंगे और ऊपर से इसकी जो लेयर हमने कॉर्नफ्लोर से लगाई हुई थी वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी। और जैसे जैसे ये पकौड़े पकते रहेंगे, इसकी जो लेयर है, इसकी जो कोटिंग है वो हार्ड हो जाएगी और हमारे पकौड़े क्रिस्पी बन जाएंगे। 3 से 4 मिनट ऐसे ही लो फ्लेम पर फ्राई करने के बाद में हम इसको एक बार ऐसे उलट पलट कर सकते हैं। 4-5 मिनट के बाद में ये देखिए हमारे पकौड़े किस तरह से क्रिस्पी बने हैं, और मैं आपको दिखाती नहीं सुनाती हूँ, ये देखिए। तो देखा आपने, हमने गोभी के पकौड़े कितनी जल्दी और आसानी से बना के तैयार कर लिए।
इसके लिए ना हमें गोभी को बॉईल करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही इसको डबल फ्राई करने की ज़रूरत पड़ी। और टेस्ट में ये एकदम हलवाई जैसे हैं, क्रिस्पी हैं, करारे हैं और आपको एकदम मज़ा आ जाएगा इसको खाने के बाद में। और इसको बनने में सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय लगा और ना ही हमने इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले इस्तेमाल किए और ना ही मैंने इसको बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ में बनाया है। बहुत ही इजी रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर की है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहें। अच्छा, हरी चटनी की रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो जाके इसको देख सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहें। बाय बाय।